सवाल आपसे ये है कि केएल राहुल नाम तो सुना ही हो, उसको देखने का मजा आता है खेलते हुए। फैंटास्टिक प्लेयर, अच्छी मतलब उसकी परफॉर्मेंस अब चल रही है इस बार। प्लेयर अच्छा है, ब्रांड है इंडिया का केएल राहुल, ब्रांड है इंडिया का केएल राहुल, ब्रांड है इंडिया का। सही लगता है, लेकिन शेन अफरीदी के आगे कुछ भी नहीं हो। मैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को अंदाजन कितने करोड़ के अंदर खरीदा? 4 करोड़ के अंदर खरीदा होगा। यार जैसी उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, उसको खरीदना तो मिनिमम सीआरएस में चाहिए था, 3-4 CRs में खरीदना चाहिए। तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ का है। मेरे क्या से 3 करोड़ का शायद, मतलब 3 ही करोड़ होंगे, 3 करोड़, यही 6-7 करोड़, 7 करोड़, हाँ वो होगा कोई 8-10 में, यही 3.5-4 करोड़। 3-4 करोड़ में आपको जो प्राइस बताने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सबके तोते उड़ने वाले हैं। केएल राहुल को 17 करोड़ में खरीदा है, करोड़ में, 17 करोड़ के अंदर खरीदा। इतना पैसा है उनके पास? 17 करोड़, 17 करोड़, सीरियसली 17 करोड़, बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये तो पूरी पीएसएल की टीम इतनी होती है। अब जो मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये कह रहे 17 करोड़ बहुत ज्यादा है, अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाते हैं 36 से 37 करोड़ बन जाते हैं कि, जबकि देखा जाए तो हर पाकिस्तानी का भी ख्वाब है कि वो आईपीएल खेले। 36 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते यार? 8 करोड़ 8 से फर्ज आने चाहिए ना। 36 करोड़ के अंदर 7-6-8 होते हैं, आप पता नहीं मतलब सोचो यार, स्टूडेंट लोग या क्या हो गया, 37 करोड़ में कितने 37 करोड़ 7-0। हेलो, दिस इज वलीद। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है देखने का। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी, जिसको कह सकते हैं कीमत बहुत ज़्यादा थी लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन एक प्लेयर ऐसा, अगर आप देखें पिछला उसका रिकॉर्ड देखते जाएं, तो मतलब लगातार 3 से 4 सीज़न ऐसे हो चुके हैं आईपीएल के जिसके अंदर वो ऑरेंज कैप होल्डर रह रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल की। केएल राहुल का तो आपको पता ही है, लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इस सीज़न के अंदर भी लगातार 2 सेंचुरियां बना दी और इन्होंने बाबर आजम, विराट कोहली और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने फास्टेस्ट 6000 रन स्कोर कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। तो भाई आपसे तो हम सब जानते हैं केएल राहुल बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन आज का जो मेरा सवाल है, आज की वीडियो का जो मेरा सवाल है, जो मैं लोगों से पूछने जा रहा हूँ, वो ये सवाल है कि भाई आखिर कितनी, जिसको कह सकते हैं पैसों के अंदर, कितनी रकम के अंदर केएल राहुल, जिसको कह सकते हैं टाटा आईपीएल के अंदर सोल्ड हुए थे इस ऑक्शन के अंदर, लखनऊ की टीम ने उनको कितने पैसों में खरीदा? यहाँ के जो मेरे पास अमाउंट है वो है 17 करोड़ INR, मतलब कि इंडियन रुपीज़ के अंदर 17 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। मैं खुद जाके सोच के परेशान हो गया था, विराट कोहली एक टाइम पर इतने पैसों में बिका करते थे। लेकिन अगर इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाती तकरीबन के तकरीबन 36-37 करोड़, मतलब कि 36-37 करोड़ आप एक सीजन का ले रहे हो खेलने का, तो भाई परफॉर्मेंस तो आएगी ही आएगी, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है। तो मैं इसको खड़ा हूँ बाबा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, यहाँ पे लोगों से बातें करेंगे, यहाँ से यंग क्रिकेटर से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि केएल राहुल आखिर कितने, जैसे कह सकते हैं पैसों में सोल्ड हुआ है इस आईपीएल के अंदर। आज लोगों से आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल इस वक्त चल रही है? जी आईपीएल देख रहे हैं। कैसे देख लेते हैं, वहाँ तो दिखाई नहीं जाती, फिर भी कैसे देख? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब जिंदाबाद, मतलब हाइलाइट्स वगैरह देख लेते होंगे, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ में शऊर है कि क्रिकेट को हर जगह फॉलो करते, बेशक वो इंडिया में आईपीएल क्यों ना चल रही है। सवाल आपसे ये है कि केएल राहुल नाम तो सुना ही हो? जी बिल्कुल, इंडिया का ब्रांड है ये, अच्छा नाम भाई ने क्या, दोबारा से एक बार बोल दो, ब्रांड है इंडिया का केएल राहुल, ब्रांड है इंडिया का केएल राहुल, ब्रांड है इंडिया का। सही आपने बात की, बड़ी प्यारी शॉट्स खेलता है, बड़ा मजा आता खेलते हुए देखते हो। मुझे ये बताया कि एज अ प्लेयर आपको कैसा लगता है केएल? अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बैड लक आजकल वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा जो उसकी अपनी गेम है एक, लेकिन उसने फिर भी 2 सेंचुरियां मार दी, उसने मार दी है, लेकिन जो लास्ट सीजन गया ना 2-3 उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन अच्छा प्लेयर है। मुझे सीजन में 2 सेंचुरियां मारने के बावजूद भी पिछले सीजन जैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आपको कैसा लगता है केएल राहुल? अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो बैक होने की कोशिश कर रहा है, परफॉर्मेंस अपनी बैक ला रहा है, आपको कैसा? फैंटास्टिक प्लेयर, अच्छी मतलब उसकी परफॉर्मेंस अब चल रही है इस बार। तो पहले आईपीएल की मेगा ऑक्शन हुई, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को अंदाजन कितने करोड़ के अंदर खरीदा? मेरे क्या से 3 करोड़ का शायद, 3 करोड़ का खरीदा, यानी पहले वाले भाइयों ने भी 3 करोड़ का कहा था, आप भी 3 करोड़ का कह रहे हैं, आपको क्या लगता है मेरे प्यारे? यही छः सात
करोड़ 6-7 करोड़ का, एक 3 करोड़ का कह रहा है, एक डबल पे चला गया, आपको क्या लगता है? यही 3.5-4 करोड़, 3-4 करोड़, 3 करोड़, 6-7 करोड़। तो भाई आपका फाइनल डिसीजन है? जी फाइनल है। फाइनल है जी, फाइनल है, फाइनल सर। कंफर्म है ऐसा पक्का? PSL में बाबर आजम कितने का सेल होता है? PSL में कम ही है, 1-1.5 करोड़ चाहिए। सवाल आपसे ये कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो KL राहुल इंडियन ओपनर को जानते हैं? जी जी हम। आप जानते हैं? जी जी, यानी तीनों जानते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि IPL चल रही है, IPL को फॉलो कर रहे हैं? जी जी। यानी आप IPL को फॉलो कर रहे हैं आप दोनों भी? जी। मुझे ये बताएं, सवाल आपसे मेरा आज का ये है कि अंदाजन कितने करोड़ के अंदर लखनऊ की टीम ने IPL के अंदर KL राहुल को खरीदा, अंदाजन कितने करोड़ के अंदर, आपको क्या लगता है? तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ का है। 2.5-3 करोड़ आप कह रहे हैं? 2.5-3 करोड़ सर जी बहुत पैसा होता है, आपके पास आ गया तो क्या कर लोगे? मैं तो ऐशो आराम कर लूँगा। क्या बात है, ऐशो आराम कर लूँगा। आपको क्या लगता है कितने करोड़? मतलब 3 ही करोड़ होंगे। 3 करोड़, एक ने कहा 2.5 करोड़, एक ने कहा 3 करोड़, आपको क्या लगता है मेरे प्यारे भाई? इतने का ही होगा, 2.5 करोड़। बाबर आजम कितने करोड़ का बिकता होता है PSL के? बाबर आजम प्लैटिनम की कैटेगरी में कितने करोड़ का होता है अंदाजन? तकरीबन इतने का ही होता होगा। होता है बिल्कुल इतने का ही होता है, 3-4 करोड़ के दरमियान में। कैसा लगता है आपको प्लेयर? सही लगता है, लेकिन शाहीन अफरीदी के आगे कुछ भी नहीं हुआ। शाहीन अफरीदी आगे तो कुछ नहीं, 1 बॉल हमें याद है सबको। मुझे ये बताएं कि 23 अक्टूबर आने वाली है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेंद मैच होगा, उस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं? KL राहुल चल पाएगा उस दिन? नहीं चल पाएगा बिल्कुल, टीम फारिग हो जाएगी। मुझे ये KL राहुल, आपसे 3 महीने पहले लखनऊ की टीम ने KL राहुल को खरीदा था अपनी टीम के अंदर, अंदाजन कितने करोड़ के अंदर लखनऊ ने KL राहुल को खरीदा था? 4 करोड़ के अंदर खरीदा होगा। 4 करोड़ आप कह रहे हैं? 4 करोड़ एक बहुत बढ़िया अमाउंट होती है, हमने देखा है PSL के अंदर इतने में ही टाइटेनियम में बिकते, प्लेटिनम में बिकते होते हैं, तो 4 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, कन्फर्म है आप? हाँ इतने का होगा वो। मैं प्यारे भाई आपसे कहूँगा कि आप अभी कह रहे हैं KL राहुल अच्छा प्लेयर है, IPL भी हम जानते हैं सबसे बड़ी लीग है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और सोच लीजिए, 4 करोड़ थोड़ा कम नहीं? 6 करोड़ होगा भाई ने 6 करोड़ का फैसला कर लिया, 4 से 6 करोड़ आगे। 6 करोड़ एक बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, मैं आपको यकीन माने कि 6 करोड़ बहुत मेरे पास आ जाए तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाऊँ। मुझे ये बताएं कि सर आपका कंफर्म है 4 से 6 करोड़? हाँ चल रही है, IPL को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। IPL की सबसे अच्छी चीज़ और IPL की सबसे बुरी चीज़ आपको क्या नजर आ रही है? IPL की सबसे अच्छी चीज़ कि कोहली स्कोर नहीं कर रहा, और सबसे बुरी चीज़ उसकी अंपायरिंग। अंपायरिंग का आपने सवाल उठाया सर, हमने देखा है अंपायरिंग बड़ी ही गंदी नहीं हो रही हर मैचेस के अंदर? सुनने में तो आया था कि IPL में फिक्सिंग चलती है, लेकिन इस मरतबा वाकई देखने को भी फील हुआ है कि आई थिंक हमारी सोच नहीं ऐसी, लेकिन ऐसा है कि टोटली इस पे अंपायर फिक्स होता है, तो बॉल फिक्स होता है। मुझे ये बताएं, आपने KL राहुल की तारीफें की, मुझे ये बताएं IPL के ऑक्शन के अंदर लखनऊ सुपर जेंट्स ने KL राहुल को अंदाजन कितने करोड़ के अंदर खरीदा हो? यार जैसी उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, उसको खरीदना तो मिनिमम CRs में चाहिए था, 3-4 CRs में खरीदना चाहिए था, लेकिन डिपेंड करता है कि ओनर्स उसको किस नज़रिए से देखते हैं, किस रिव्यूज से देखते हैं। देखा जाए तो वैसे सीजन में भी 2 सेंचुरियां मार चुके वो, ऐसी 2 सेंचुरीज का क्या फ़ायदा है? 10 मैचों में से 2 में आए परफॉर्म करके, 8 में आप 0, तो वो तो फिर ऑब्वियसली मज़ा नहीं आता ना। कितने करोड़ आपके लिहाज से? 4-5 के राउंड अबाउट। उसको बता दे सबसे अच्छा प्लेयर इसको कौन सा चल रहा है आपकी नज़र में IPL के? मेरे नज़र में जो इस टाइम सबसे अच्छा जा रहा है ना वो KL है। KL ने 200 की हैं, उसके अलावा काफ़ी अच्छी पारी ले रहा है वो, काफ़ी अच्छी पारी ले। मज़े की बात है कि वीडियो भी आज हमारी KL राहुल के ऊपर है, जैसा कि आपने कहा IPL देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि IPL में कितनी नॉलेज रखते हैं, कोई अंदाज़ा ताज़ा तेज़ नॉलेज है? नहीं इतनी खास नहीं है, बस नॉर्मली है। ये मुझे बताएं कि 3-4 महीने पहले IPL की मेगा ऑक्शन हुई थी, उसके अंदर KL राहुल बिका गया था, मतलब कि सोल्ड हुआ था, लखनऊ ने खरीदा था, अंदाजन कितने करोड़ के अंदर लखनऊ की टीम ने KL राहुल को खरीदा था अपनी टीम के अंदर, कोई अंदाजा है आप? हाँ वो होगा कोई 8-10 में। 8-10 करोड़ के अंदर, मतलब कि 8-10 करोड़, इतने ज़्यादा पैसे होगा? इतने के पक्का कंफर्म है? 8-10 करोड़ बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं सर। इतने का हो तो मैं आपको प्राइस बताने जा रहा हूँ, आपने कहा 3 करोड़, आपने कहा 6-7 करोड़, आपने कहा 3.5 करोड़। मेरे प्यारे भाइयों जो मैं आपको प्राइस बताने जा रहा हूँ, IPL के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स ने KL राहुल को 17 करोड़ में खरीदा है। 17 करोड़ में? 17 करोड़ के अंदर खरीदा है। इतना पैसा है उनके पास? इतना पैसा है तो खरीद रहे हैं अभी KL राहुल, क्या पूरी जितने भी 100 कितने प्लेयर सबको इतने का खरीदा है? ये 13 करोड़ में? इतने का ही, 10-10 करोड़ से ऊपर का, लेकिन KL राहुल वाहिद प्लेयर है जो 17 करोड़ का। 17 करोड़ वो ज़्यादा अमाउंट होती है। अब आपका जितना मैंने शॉकिंग रिएक्शन देखा है, आपका एक और रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि 17 करोड़ इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ये है 36 से 37 करोड़, क्योंकि उनकी जो करेंसी है हमारे से हमारी डबल हो जाती है उनकी। सवाल आपसे ये कि इतने पैसे सर कैसे? बस
टैलेंट जिसके पास है वो फिर उसको उसी दाम में बिकता है, फिर वो उसी दाम में बिकता है। तो ये तो बात आपकी सही है, लेकिन बात सवाल ये है कि आईपीएल के अंदर 37 करोड़ पाकिस्तानी एक बंदे को मिल रहा है, इतना पैसा जब एक खिलाड़ी को मिल रहा है, हम कहते हैं कि पीएसएल आईपीएल को बीट कर देगी, कब करेगी बीट? ये तो इंशाल्लाह कर देगी, लेकिन मुकाबला वैसे मुश्किल ही है। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप सबके तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने कहा 3 करोड़, आपने कहा 2.5 करोड़, आपने कहा 3 करोड़ ही। तो मैं जो आपको पैसे बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, केएल राहुल इंडियन करेंसी के अंदर 17 करोड़ का बिका है। 17 करोड़ बहुत है, आपकी शक्ल से पता चल रहा है बहुत परेशान से हो गए भाई। 17 करोड़ बहुत है, मतलब 17 करोड़ अगर आप तीनों के पास आ जाए क्या करोगे? बस 6 भी हो फिर भी 17 करोड़ बहुत ज्यादा है। अब जो मैं आपको मजे की बात बता रहा चाह रहा हूँ, ये कह रहे 17 करोड़ बहुत ज्यादा है, अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाते हैं 36 से 37 करोड़। 36 से 37 करोड़ आप भाई को देख ले, इस पे परेशान सा हो गया, इसकी शक्ल आप देख ले, कंफ्यूज सा हो गया, ये लड़का क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, अब ये सोचेगा 36-37 करोड़ आईपीएल खेलने का मिलता है, मतलब कि बंदा तो सीधा स्पेस में चला जाए, ऐसे ही सोचेगा। 36-37 करोड़ सर, इतने पैसे कैसे? लोगों का शौक होता है, शौक होता है, पैसे इतने लेना उनको तो प्लेट ही पड़ देते हैं ना, खेल पे मेहनत पे मिलते हैं उन्हें, जो लोग खरीदते हैं। कहूँ को लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन रुपीज़ के अंदर बात करें तो 17 करोड़ के अंदर। अच्छा, कैसा लगा मेरा मजाक? वाकई तो ये भी कहना चाहिए था ना आपको कि कैसा लगा मेरा मजाक, कि ये सही बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं यार, शॉकिंग न्यूज़ है। बहरहाल बात मैंने पहले भी बात की है कि पैसों को नहीं देखना चाहिए, इनके पैसे कम करने चाहिए अगर इन्हें क्रिकेट खिलानी है। आप 4 करोड़ कह रहे थे, 17 करोड़ में उसको खरीदा। हाँ तो ठीक है यार, फिर खरीद सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं। बहरहाल पैसे कम करने चाहिए, क्रिकेट ज़्यादा करने चाहिए, ज़्यादा करने चाहिए। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ये 36 से 37 करोड़ बन, 36 से 37 करोड़ बन जाते हैं, कि जबकि देखा जाए तो हर पाकिस्तानी का भी ख्वाब है कि वो आईपीएल खेले, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना खेले, क्योंकि जहां अगर हमारे प्लेयर्स भी आईपीएल में चले गए तो आपको पता है कि इंडिया फिर वो एक कोलैप्स बनाने में आता, तो फिर कहां से कहां ले जाए। केएल राहुल इस सीज़न लखनऊ की टीम में 17 करोड़ का बिका है। वाकई 17 करोड़ का बिका है, 17 करोड़। वाकई कन्फर्म बात है। अच्छा जी, मजे की बात है, ये इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 36-37 करोड़। वाह जी वाह, 36-37 करोड़ मतलब कितने पैसे सर? देख बस मेहनत है ना उसकी, मेहनत है। आप देखिए, एक आईपीएल का सीज़न खेले और 36 से 37 करोड़ कमा लें, आप भी क्रिकेटर है, आप चाहते हैं आईपीएल खेलना? आईपीएल तो हमारे मुल्क में तो पीएसएल होती है, आईपीएल तो यानी कि मुश्किल है, आईपीएल में जा ही नहीं सकता कोई पाकिस्तानी प्लेयर। लेकिन आप बिल फर्ज फ्यूचर में अगर खुल जाए जगह तो फिर जारी बात है, फिर कोशिश तो पूरी होगी, कोशिश पूरी होगी तो उम्मीद है इतने करोड़ों के बिक जाओगे। नहीं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसान बिकता। तो मतलब आप समझते हैं कि 17 करोड़ केएल राहुल की प्राइस सही है उसकी एबिलिटी के लिहाज से, जिस तरह उसने इस सीज़न में स्कोर किया तो बनता है। सर, आईपीएल के लखनऊ ने केएल राहुल को 17 करोड़ में खरीदा है इंडियन रुपीज़। 17 करोड़ सीरियसली 17 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ये तो पूरी पीएसएल की टीम इतनी होती है। वो बात आपकी सही है, सही बात है, इतने पैसे बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। मैं मजे की बात ये है कि ये इंडियन रुपीज़ है, अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 36 से 37 करोड़। बिल्कुल डबल फिगर हो जाएगा। इतने पैसे सर कैसे? आईपीएल पैसे बढ़ा देता है, बहुत पैसे देता है वो, फिर भी इतने पैसे सर? मैं खुद हैरान हो गया आपकी सुन के। देखिए ना, मतलब कि 37 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ कहाँ से कहाँ चले जाए, हम देखा जाए तो पैसों की बारिश हो जाए। पैसों की मैं कहता हूँ बहुत बारिश हो जाए पैसों की। आपके पास अगर 37 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में आ गए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? पहले आधा घंटा मैं सोचांगा भाई की करना, कि ये 37 करोड़ पे आ गया है। तो आखिरी सवाल ये है कि मतलब कि इतने पैसे आप लोगों ने सोचे थे कभी? नहीं नहीं, हमने तो नहीं सोचा। बहुत ज़्यादा है पैसे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे को सवाल आपसे सिंपल सा ये है कि 36-37 करोड़ के अंदर कितने जीरो आते हैं? पता नहीं, पता नहीं, मतलब सोचो यार, स्टूडेंट लोग या क्या हो गया, 36-37 करोड़ में कितने जीरो? 36-37 करोड़ 7 जीरो। 7 जीरो आते हैं, गिनाओ जरा। 7 जीरो आते हैं, 1, 2, 3। 1 करोड़ में तो 7 जीरो होते हैं, 36-37 करोड़ में कितने जीरो? 7 ही होते हैं। 7 को तो कन्फर्म है, लोग कर दें 6 जीरो 6 जीरो 7 जीरो। आप बता दो, तुम बता दो, ये सही है कि ये सही है? यो वो सही है भाई, इस भाई ने कह दिया 7 करोड़ वाला सही है, मतलब कि 7 जीरो वाला सही है, ये कहते हैं 6 जीरो आते हैं। आप कमेंट्स में बताएं कि 36 करोड़ के अंदर कितने जीरो आते हैं, वो 36 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? 36 करोड़ के अंदर 7
7-0 होता है, कंफर्म है पक्का? 8 होते हैं। 8 होते हैं, आपको क्या लगता है? 8 होते हैं। 8 होते हैं, 7, 8, 8, पीछे वालों ने 6-7 कहे थे। सवाल ये, दोबारा सोच लो। 7, 8 लोग दिनों भाई, इन्होंने कह दिया, दो ने कह दिया 8, इसने कह दिया 7। आपने कमेंट्स में इसमें टाइम मेंशन करके बताना है कि क्या जवाब इनका सही था, और सही जवाब क्या आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। दादा 36 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? अगर गिनने लगेंगे तो मेरे ख्याल से कॉपी पेंसिल भी है, मोबाइल्स भी हैं। तुक्का तो मारे यार, 8 करोड़, 8 सिफर तो आने चाहिए ना। 8 सिफर तो आने चाहिए, वैसे 1 करोड़ में तो 7 सिफर होते हैं, 36 करोड़ में कितने होंगे? 1 करोड़, हाँ तो 36 करोड़ में भाई 6 ही होंगे ना। 6 ही होंगे, कन्फर्म है? नहीं, 5 होंगे। 5 होंगे, कन्फर्म है? कन्फर्म है भाई। आपने कमेंट से ज़रूर बताना है भाई का जवाब सही था कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात लोगों की बातें सुनी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लोगों ने तुक्के मारे, कुछ के तुक्के पास पास तक भी, कुछ के तुक्के काफ़ी पीछे थे, मतलब के लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। इतने ज़्यादा जिसको कह सकते हैं पैसे, कभी किसी ने सोचा नहीं थे कि इतने पैसों में भी सोल्ड हो सकता है। 36 से 37 करोड़ एक बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो। हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, यहाँ पे सारे क्रिकेट लवर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, आगे जाके पाकिस्तान की टीम को भी इनमें से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।